नमस्ते ओम शांति। आपको स्वागत है आपके 305वें दिन के ईश्वरीय वरदान में, जहाँ परम पिता परमात्मा हमें बच्चा कब बनना है और मालिक कब बनना है इसके बारे में सिखाते हैं, ताकि हम अपने जीवन में, चाहे हमारी फैमिली हो, चाहे सोसाइटी हो, चाहे वो जगह जहाँ पे हम काम कर रहे हों, हर जगह पर एक बैलेंस रहे और हर जगह पर जहाँ पर भी हम काम कर रहे हों वहाँ के लोग हमें पसंद करें, प्यार करें। तो उसके लिए युक्ति क्या है, तरीका क्या है, वो आज बाबा से सीखते हैं। बाबा कहते हैं, बालक और मालिकपन, बालक मतलब बच्चा और मालिक मतलब मालिकपन के बैलेंस द्वारा युक्ति युक्त चलने वाले सफलता मूलक भव। युक्ति युक्त मीन्स डिप्लोमेटिकली। तो देखिए इसका विस्तार क्या है। बाबा कहते हैं, जितना हो सके सर्विस के संबंध में बालकपन। जब आप सेवा में जाते हैं, कहीं भी सेवा करते हैं, चाहे घर में सेवा करते हैं, अगर आप कोई कहता है ऐसा ना करो ऐसे करो, जी ओके, वहाँ पर हमारी नम्रता काम आती है और परमात्मा ऊपर से देख रहा है आपको। और जैसे कि अगर आप कहीं पे काम करने जाते हैं, वहाँ पे आपका कोई बॉस है या कोई सबॉर्डिनेट है, छोटा भी आपसे, उसने आपको कुछ अच्छा सुझाव दिया, वहाँ पे मालिकपन नहीं, वहाँ बालकपन। हाँ ये भी सही है, वहाँ पे नम्रता, क्योंकि आप लंबा देख रहे हैं, दूर तक का देख रहे हैं। लेकिन जो अपने लिए सिर्फ सोचता है उसके अंदर नम्रता आ नहीं पाती है। मैं अपन जहाँ था वहाँ नम्रता नहीं आती है, वहाँ पर मेरा आइडिया चलना चाहिए, मैं ही सही हूँ, तो वहाँ पर लोग भी आपको पसंद नहीं करते हैं। तो परमात्मा फिर कहते हैं, जितना हो सके सर्विस के संबंध में बालकपन, अपने पुरुषार्थ की स्थिति में मालिकपन। अपने पुरुषार्थ मतलब अपने अंदर जो विकार है, अपने अंदर जो गलतियां हैं, कमजोरियां हैं, उनको निकालने में हमें मालिक बनना है, उसका मालिक बनना है, मन का मालिक बनना है कि निकालो। क्रोध नहीं होना चाहिए, क्रोध का कांटा ना हो, अहंकार का कांटा ना हो, ईर्ष्या का कांटा ना हो, ये अपने ऊपर मालिक बनना है ना। अपने मन को ऑर्डर करना है और औरों को ऑर्डर नहीं करना है, वहाँ पे हमें बच्चा बन जाना है। क्योंकि हम जब औरों को ऑर्डर करते हैं तो लोग पसंद नहीं करते, हमसे दूर दूर हो जाते हैं। तो आपस में सामने तो आपको रिस्पेक्ट देंगे, लेकिन पीछे पीछे आपको रिस्पेक्ट नहीं देते हैं वो लोग। तो हमें कौन सी रिस्पेक्ट चाहिए, सच्ची रिस्पेक्ट चाहिए। तो सच्ची रिस्पेक्ट आती है नम्रता से। फिर बाबा कहते हैं, संपर्क और संबंध में बालकपन। जब आप किसी के संपर्क में आते हैं, संबंध में आते हैं, तो वहाँ पे तो आप किसी को ऑर्डर नहीं करेंगे ना, ऐसा नहीं करेंगे। आप किसी को सजेशन देंगे, वो भी नम्रता से देंगे, आप देख लीजिए मेरे को तो ये ठीक लग रहा है, अगर आपको अच्छा लगे तो आप कर लीजिए, आपकी मर्जी, फाइनली तो आपका डिसीजन है। तो ये हो गया आपका बालकपन का, ऐसे ही करो, ऐसे ही करना चाहिए, नहीं तुम्हें समझ नहीं आ रहा, मैं तुम्हें कितना समझा रहा हूँ, तुम्हें समझ नहीं आता है क्या, ये हो गया मालिकपन। ये किसी को पसंद नहीं आएगा, ये अभिमान हो गया, ये परमात्मा कहते हैं इसमें नम्रता नहीं है। तो बाबा ऊपर देख रहे हैं ना। फिर बाबा कहते हैं, संपर्क और संबंध में बालकपन, याद की यात्रा, जब हम मेडिटेशन बैठते हैं, और मंथन करने में मालिकपन, जो परमात्मा ये जैसे ये ज्ञान दे रहे हैं हमें, इसका भी मंथन करना, इसको भी याद करना है ना। मक्खन निकालने के लिए हम क्या करते हैं, तो आपको पता होगा, तो यहाँ पे भी इस ज्ञान का मक्खन निकालने के लिए इसके अंदर और क्या गहराई है, गहराई में जाने से ये दूध जैसा है परमात्मा का ज्ञान, उसको अगर हम चर्न करेंगे, घुमाएंगे, तो क्या होगा, मक्खन निकलेगा, गहरी गहरी बातें निकलेंगी, अपने जीवन के बारे में निकलेंगी, कहाँ हमने गलती करी, कहाँ हमने मालिक बनना था, वहाँ पे हम बच्चे बन गए। तो अपने साथ में मालिकपन, अपने मन को मालिक जैसे गाइड करना, डायरेक्ट करना, कि ऐसे मत सोचो, ऐसे सोचो, परमात्मा ने बताया ये मत बोलो, ये करो। तो ये सारा चीज़ों के मालिकपन अपने साथ में। फिर साथियों और संगठन में बालकपन, साथियों के साथ में और संगठन में क्या बनना है, वहाँ बालक बनना है, वहाँ पर रोब नहीं जमाना है अपना। तो परमात्मा कहते हैं, और व्यक्तिगत में मालिकपन, व्यक्तिगत जीवन में अपने साथ में क्या है, मालिकपन, अपने आप को गाइड करना, डायरेक्ट करना, अपने आप को डिसिप्लिन में लाना। फिर बाबा कहते हैं, इस बैलेंस में चलना ही युक्ति युक्त चलना है, नहीं तो क्या होता, हम उल्टा कर देते हैं, औरों के साथ में हम मालिक बन जाते हैं और अपने साथ में बालक बन जाते हैं, कुछ नहीं ठीक है चलेगा अपने साथ में, और अगर मैं ऐसे नहीं वैसे नहीं, ये मत करो वो मत करो, मेरी बात सुनो, ये गलत हो जाता है। फिर यहाँ पे क्या होता है, इम्बैलेंस हो जाता है सोसाइटी में, इसीलिए तो इम्बैलेंस बना हुआ है दुनिया में, इसलिए इम्बैलेंस बना है घरों में, इसलिए इम्बैलेंस बना हुआ है, झगड़े क्यों होते हैं, इस कारण से होते हैं। फिर बाबा कहते हैं, युक्ति युक्त चलना है, इससे सहज ही हर कार्य में सफलता प्राप्त होती है, स्थिति एक रस रहती है, सफलता भी मिलेगी, हमारी स्थिति एक रस रहेगी, झगड़ा नहीं होगा, तू तू मैं नहीं होगी, है ना। और सहज ही सर्व के स्नेही बन जाते हैं, सब कोई आपको पसंद करता है, किसी को आपसे डर नहीं लगता है, और आपकी आप सबको रिस्पेक्ट देते हैं नम्रता से, इसलिए हर कोई खुश रहता है। तो आज के ये ईश्वरीय वरदान, इसको गहराई से समझने के लिए आप ब्रह्म कुमारी ईश्वर विश्वविद्यालय में जा सकते हैं और गहराई से समझ सकते हैं। और आपका दिन शुभ हो, आप स्वस्थ रहें, सुखी रहें, ओम शांति।